नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, काफ़ी बड़ी खुशखबरी आपके लिए यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रेलवे का, वो जारी कर दिया है रेलवे ने ऑफिशियल साइट पे, और पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, क्या क्या पोस्ट के लिए ITI वाले भर सकते हैं, कौन सी पोस्ट के लिए जो है 10वीं वाले भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन और जो फिजिकल है उसमें क्या क्या होने वाला है, महिलाओं के लिए फिजिकल कितना होगा, और यहाँ पे बाकी जो फीस वगैरह है कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में मैं आपको बताऊँगा। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करता हूँ मैं, तो जो प्रकाशन तिथि है, देखिए अभी वैसे आज ही अभी रिसेंटली ये जारी कर दिया नोटिफिकेशन। ठीक है, वैसे 10 तारीख को होना चाहिए था, लेकिन अभी जस्ट हो ये जारी कर दिया है। अंतिम तिथि जो है अप्लाई करने की वो है दोस्तों 12/3, यानी कि 12 मार्च तक आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हो। कंप्यूटर आधारित ये टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे मतलब कि एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन, और जो संभावित तिथि है जो एग्ज़ाम की वो होगी दोस्तों अप्रैल तथा मई के दौरान ये जो है एग्ज़ाम होगा इसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे, कि जो ऑनलाइन यहाँ पे जो है आवेदन अगर आप करते हो, जब भी आपका जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी फॉर्म, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेकेंड थिंग यहाँ पे अगर बात करते हैं वेतन की, जो सैलरी है इसकी 7th पे के हिसाब से जो सैलरी है वो 18,000 है प्रारंभिक, और इसके अलावा जो अन्य इसमें जो TA DH जो है भी है मिला के, टोटल आपकी सैलरी जो हो जाएगी इसके अंदर 21,000 से 22,000 के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम आयु की। एज का काफ़ी बड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल, देखिए मैं बता देता हूँ, काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए अगर आप 18 से और 31 के बीच में जो है आपका एज है तो। ठीक है, कुछ कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए एज रिलेक्शन भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये तो हो गई एज की बात। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं उसके बाद में जो यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, उसके बारे में। यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने वाली है वो कंप्यूटर आधारित होगी, यानी कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और इसके अंदर जो आपको है शारीरिक दक्षता जो है वो भी उत्तीर्ण करना होगा, और उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है, कितनी होगी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो जो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ है और पिता का नाम जो भी है, 10वीं की जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट है उसमें जो नाम है वही होना चाहिए सेम फॉर्म फिलअप करते टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे जो अगर बात करते हैं वैकेंसीज़ की। ठीक है, तो वैकेंसी देखिए टोटल यहाँ पे 16 बोर्ड के अंदर जो है वैकेंसी निकली है, और ये यहाँ पे अगर बात करते हैं अनारक्षित की, जनरल की वैकेंसी यहाँ पे टोटल है 31,889 वैकेंसी है। ठीक है, अगर बात करता हूँ यहाँ पे मैं अनुसूचित जाति की, जाति के लिए 9,453 वैकेंसी है, और जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए 5,061 वैकेंसी है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1650 है, और ये कुल वैकेंसीज यहाँ पे 502 है, और कुल वैकेंसीज है 62,907 वैकेंसी है, और ये यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक वगैरह की भी है। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, ओके। तो ये देख लीजिए आपकी जो भी मतलब कि है आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपकी पोस्ट यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो बात करता हूँ, तो यहाँ पे फिजिकल की, जो यहाँ पे आपका, ठीक है, जो यहाँ पे अगर देखिए जो दे रखा है यहाँ पे कि आपका जो चिकित्सा मानक है वो इस हिसाब से होना चाहिए। ये चिकित्सा मानक अगर A2 है तो सामान्य योग्यता, ये सारी यहाँ पे दे रखी है, एक बार आप जो भी है आपकी उससे एक बार चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एज का, तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, जो छूट मिलती है वो मिलती है, देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट मिल रही है यहाँ पे, और अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष की छूट मिल रही है, दिव्यांग व्यक्ति को जो है 10 वर्ष की छूट मिल रही है, और ये देखिए अनुसूचित जाति, तो ये सारी एक बार आप देख लीजिए जो भी आप अगर इस कैटेगरी में आते हो तो। ठीक है, जो भी आपका है यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो आप। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायरमेंट है। तो जो क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे देखिए लिख रखा है कि अनुलग्न जो क्या है उसमें देखा है, तो नीचे है वो, मैं आपको उसमें डिटेल्स में बताऊँगा इसके बारे में। परीक्षा शुल्क की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो एग्ज़ाम फीस है वो जनरल के लिए यहाँ पे 500 रुपये है, अनुसूचित जाति जनजाति जो सैनिक वगैरह है, महिलाएं हैं, उनके लिए 250 रुपये है, और ये आपको वापस कर दी जाएगी 250 रुपये जो अगर आप फर्स्ट टेस्ट जो ये एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर पे उसके बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों, यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया किस हिसाब से होगी। तो देखिए भर्ती प्रक्रिया टोटल 3 स्टेज में कंप्लीट होने वाली है आपकी। पहले आपका होगा फर्स्ट पॉइंट, आपका जो फर्स्ट स्टेज में होगा कंप्यूटर पर आपकी एग्ज़ाम होने वाली, कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद में आपका शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल होगा, और उसके बाद में आपका होगा दस्तावेज सत्यापन यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर की परीक्षा किस हिसाब से होगी, पैटर्न क्या होगा कंप्यूटर की जो एग्ज़ाम होगी कंप्यूटर बेस्ड, तो जो पेपर होने वाला है कंप्यूटर का टोटल, उसमें देखिए आपको टोटल 90 मिनट्स आपको जो है एग्ज़ाम में मिलेंगे, टाइम मिलेगा 90 मिनट्स, और टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 100 क्वेश्चंस आपके इसमें होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए न्यूनतम प्रतिशत की पात्रता, ये इतने परसेंट तो आपको लाने हैं जब भी आपको काउंट किया जाएगा, कट ऑफ में जो है गिनती की जाएगी आपकी। तो देखिए 40% तो जनरल के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30%, और अनुसूचित जाति के लिए 30%, ST के लिए जो है यहाँ पे 30%। तो इतने परसेंट मार्क यानी कि 100% है, तो 100 का जैसे 40% कितना होगा, 40 मार्क, यानी कि जनरल को 40 नंबर लाना ज़रूरी है पेपर को क्वालिफाई, मतलब कि मिनिमम क्वालिफाई नंबर तो इतने होने चाहिए। और जो यहाँ पे OBC है उनको 30 नंबर लाने हैं, अनुसूचित जाति यानी कि SC को 30 और ST को 30 नंबर यहाँ पे लाने हैं, जब जाके आपको कट ऑफ में काउंट किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं पाठ्यक्रम कैसा आएगा इसका, ठीक है, मतलब कि सिलेबस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। सिलेबस देखिए क्या है इसमें, मैं बता देता हूँ आपको। सिलेबस में आपका पहला पार्ट में होगा गणित, ठीक है, मैथ होगा फर्स्ट पार्ट आपका। अब मैथ में क्या क्या आएगा, देखिए संख्या पद्धति आएगी, बोर्ड मास आएगा, दशमलव, भिन्न, लघुतम, समाप्रत्यय, जो भी महत्व समाप्रत्यय, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, मेंसुरेशन, समय, टाइम एंड वर्क, जो भी है दूरी, ये सारे यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो इसे आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। उसके बाद में सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति, जो रीजनिंग है वो आएगी, GK रीजनिंग, ठीक है, GIGS। इसके अंदर देखिए क्या आएगा, जो भी कोडिंग वगैरह है वो सारी, देखिए ये वेन आरेख है, ये रीजनिंग के सारे टॉपिक इसमें जो भी दे रखे हैं ये इसमें आने वाला है। और जो तीसरा पार्ट होगा गे पार्ट, इसमें सामान्य विज्ञान जो कि 10वीं लेवल के होगी, 10वीं लेवल की जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और जो बायोलॉजी है उनके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो इसका गह पार्ट होगा उसके अंदर होगा आपका सामयिकी पर सामान्य जागरूक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेलकूद, संस्कृति, व्यक्ति विशेष, अर्थशास्त्र, राजनीतिक और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर। तो करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे कुछ, इनसे रिलेटेड जो है करंट अफेयर पूछा जाएगा, GK पूछा जाएगा। तो ये इसके सिलेबस है दोस्तों, ये पूरा इसका सिलेबस है। एक पार्ट होगा गणित का, एक में होगा रीजनिंग, एक में होगा सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस। आप सिलेबस के बाद में अगर बात करते हैं दूसरा जो स्टेज होगा, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो दूसरा स्टेज होगा आपका PET यानी कि शारीरिक परीक्षण, जिसे बोलते हैं फिजिकल। ओके, फिजिकल में देखिए क्या होगा, फिजिकल के अंदर जो यहाँ पे पुरुषों के लिए फिजिकल है, उनको 35 किलोग्राम वजन को उठाकर 2 मिनट में एक अवसर में वजन को नीचे गिराया बिना 100 मीटर तक ले जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 2 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, और 100 मीटर तक आपको 35 किलो का वजन अपने ऊपर रख के बिना एक गिराए जो है वहाँ पर पहुँचना है 2 मिनट में, 100 मीटर तक की आपकी जो है दूरी तय करनी है। ये तो हो गया इसके लिए, ठीक है। अब एक और यहाँ पे 1000 मीटर की दूरी को 4 मिनट 15 सेकंड में एक ही अवसर में दौड़ना चाहिए,
ये यहाँ पे दौड़ होगी, ठीक है। एक तो वेट लिफ्टिंग होगा और एक दौड़ होगी। दौड़ में क्या होगा कि 1000 मीटर की दौड़ जो है आपको पूरी करनी है, कब, कितने टाइम में, 4 मिनट और 15 सेकंड में। और इसका एक ही चांस दिया जाएगा, ये नहीं कि आप एक बार में नहीं कर पाए तो दोबारा चांस दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, देन नेक्स्ट महिलाओं की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, महिलाओं को 20 किलोग्राम वज़न उठाना होगा और 2 मिनट में जो है उस वज़न को बिना गिराए 100 मीटर तक ले जाना होगा। ये महिलाओं के लिए। अगर दौड़ की बात करता हूँ यहाँ पे, तो 1000 मीटर की जो दौड़ है वो आपको पूरी करनी होगी 5 मिनट और 40 सेकंड में, एक ही बार में जो है ये दौड़ पूरी करनी होगी, ये महिलाओं के लिए। ओके, तो फिजिकल का जो है आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दोस्तों, ठीक है, देखिए जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं ये। ओके, ये कुछ सर्टिफिकेट है यहाँ पे, अगर आप ST SC जो भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं या फिर जो भी है तो उस हिसाब से। उसके बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट की, देखिए ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी पोस्ट। इसमें पोस्ट देखिए कि मैंने बता दी थी वैसे पहले के वीडियो में, हेल्पर है, हेल्पर इलेक्ट्रिकल है, इसी ये सारी जो पोस्ट हैं इनके लिए देखिए कौन सी योग्यता चाहिए। इनके लिए 10वीं उत्तीर्ण NCVT द्वारा प्रदान राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र, या फिर 10वीं उत्तीर्ण एवं NCVT NCCVT द्वारा प्राधिकृत संस्थाओं से ITI होनी चाहिए। तो ये जो पोस्ट है यहाँ तक देखिए, ये यहाँ तक 23 नंबर तक की जो पोस्ट है, यहाँ तक कि आपके पास 10वीं में IT 10वीं+ITI होनी चाहिए, अप्रेंटिस या जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। एक बार इजी से अच्छे से देख लीजिए यहाँ से, ठीक है, इसका PDF मैं आपको दे दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा 1 नंबर से लेके और जितने भी 23 नंबर तक की पोस्ट है, ठीक है, 23 तक यहाँ तक, इनके लिए आपको जो है 10th+ITI या फिर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो भी है ITI से रिलेटेड वो अगर आपके पास है तो इन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं अगर आपके पास ओनली 10वीं है, आपके पास कोई ITI सर्टिफिकेट या फिर जो कोई भी डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है, तो आप इन पोस्टों के लिए फॉर्म भर सकते हो। यानी कि आपके पास ITI सर्टिफिकेट नहीं है, ओनली 10वीं पास हो या आप, या फिर 10वीं के अलावा जो भी ग्रेजुएशन है कुछ भी कर रखा आपने लेकिन ITI वगैरह नहीं है, तो आप जो है इन पोस्टों के लिए कर सकते हो। चाहे आप 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन BA जो भी है आपके पास, तो इनके लिए आप भर सकते हो। ओके, तो ये हो गया जो बिना 10वीं है, जो बिना ITI गए उनके लिए, ठीक है। तो पोस्ट का जो यहाँ पे मैंने बता दिया कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए भर सकते हैं बिना ITI वाले, ये एक तो यहाँ पे देखिए, ये हेल्पर, मेडिकल अटेंडेंस, हॉस्पिटल, साइक पॉइंट्समैन, गेटमैन है, और इनके लिए भर सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे क्वालिफिकेशन का सिस्टम। अब ये देखिए नीचे पोस्ट है, हर जोन वाइज यहाँ पे पोस्ट है। ये अहमदाबाद की पोस्ट यहाँ पे दे रखी है, ये सारी हेल्पर की कितनी है और यहाँ पे मेंटेनर ट्रैक की कितनी है, ये सारी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे पोस्ट दे रखी है। तो ये सारी हर बोर्ड के अलग अलग है, जितने भी 16 रीजन है जिनकी, ठीक है, तो आप इनको जो भी जिस रीजन से आप भरना चाहें, ये PDF जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको डाउनलोड करके अपनी पोस्ट जहाँ से भी लगाना चाहें आप लगा लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको शेयर कर दिया, समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले दोस्तों, और इससे रिलेटेड ऐसे ही नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द ही आपके लिए इससे रिलेटेड एक और नया वीडियो लेके लौटूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, अभी के लिए इतना ही।